तो आप सब नारी शक्ति इतनी ज्यादा संख्या में आज यहाँ पे पहुँचे हैं, तो सबसे पहले आप अपने लिए तालियां बजा दीजिए एक बार जोर से, एक साथ नारी शक्ति एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। और इस सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आज हमारी एकजुटता का और सलाम। और किसी ने कहा है कि नारी की आबरू उसकी औलाद और उसके पति के साथ कोई पंगा लेता है ना, तो नारी दुर्गा का रूप धारण करके उभरती है और इस समाज को बताती है कि हम किसी से कम नहीं है। और मेरी माताओं बहनों, आज इस सरकार ने जो हमारे सामने परिस्थितियां पैदा कर दी है, हमारे जमीन हमारे बच्चों के खिलाफ और उसके साथ साथ हमारे धर्म जाति और हमारे फर्क को बांटने का काम किया है, इस सरकार की दमनकारी बुरी नीतियों को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आज समय आ गया है हमें अपने इतिहास को एक बार फिर से दोहराना होगा, हमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनना होगा, हमें इस सरकार को बता देना होगा कि हम रानी लक्ष्मीबाई के वंशज हैं। मेरी प्यारी माताओं बहनों, एकजुटता और संयम बनाए रखो और सरकार और मेरी माताओं बहनों, एक बात सबसे जरूरी है, नारी शक्ति जो जाग चुकी है इस सरकार को उसकी औकात दिखाने के लिए, हम सब एकजुट हो गए हैं और हमें हम नारी शक्ति नहीं, हमारे जो पिता समान तुल्य बुजुर्ग हैं वो भी हमारे साथ हैं, पहले भी थे आज भी हैं, और आज हमारी नारी शक्ति जिसने ये एहसास करवा दिया है इस सरकार को कि हम हमारे किसान भाइयों और हमारे परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करती है। और रही बात सरकार की, तो ये अपने आप घुटने टेक देंगे क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं रह रहा अब सरकार का, इनकी बुरी नीति ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती क्योंकि अब नारी ने दुर्गा का रूप धारण कर लिया है। और रही बात नारी शक्ति, जब जब मैदान में उतरी है तो जीत हमारी हुई है, इसलिए मेरी माताओं बहनों आप सबसे यही विनती है, एक साथ डटे रहे और जो हमारे तीनों काले कानून हैं उनको रद्द करवा के ही घर वापिस लौटेंगे, अब हम ना हम झुकेंगे ना ही डरेंगे, सिर्फ लड़ेंगे और जीतेंगे, और वो भी आर पार की लड़ाई। इस सरकार को आप अपनी औकात दिखाने का टाइम है और ये सरकार समझ चुकी है क्योंकि जो हमारी रोजी रोटी देने वाली माँ सम्मान पूर्वक हमारी धरती माँ है उसको ललकारा है, आज किसान को ललकारा है, जो पूरी दुनिया का पेट भरता है, क्या पता इस खट्टर को कि हम कितनी मेहनत से कितने पसीने की कमाई से थोड़ा अनाज उगा पाते हैं और उसका मोल भी ये सरकार लगाती है। कैसा टाइम आ गया आज हमारे समाज का। तो मेरी माताओं बहनों आप सबसे यही विनती है मेरी, एक साथ रहे, संयम से रहे, शांतिपूर्वक से रहे, और अगर इस सरकार ने थोड़ी सी भी चुप करने की कोशिश की तो लाठी डंडे हथियार जो भी आपके पास है सब निकालो और रण में कूद पड़ो क्योंकि नारी शक्ति किसी से कम नहीं है। जय जवान जय किसान। और एक बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, 3 तारीख को जो हमारे फौजी भाई बॉर्डर पे शहीद हुए हैं, 24 जवानों ने अपनी शहादत दी है और 35 हमारे जवान शहीद हो गए, उनमें से एक को नक्सलियों ने अपहरण किया हुआ है, ये सरकार कहाँ सो रही है। 5 दिन से इस सरकार ने ये पता नहीं लगाया है कि हमारा फौजी भाई कहाँ पे है, अब हमको इस सरकार पे दबाव बनाना होगा जिससे हमारे फौजी भाइयों का खून ऐसे ही ना बहे। और एक बात सोचने समझने की है, सबसे मेन बात, जब जब चुनाव आता है ना तभी हमारे किसान इन पे जवान भाइयों पे अटैक होता है, वरना नक्सलियों की इतनी औकात नहीं हमारे जवान भाइयों पे अटैक कर दे।
कहीं ना कहीं कोई ना कोई शरारती तत्व जरूर हमारे जवान भाइयों के पीछे होता है, जिसको सब मालूम होता है, इसलिए हमारे जवान भाई बॉर्डर पे शहीद होते हैं। वरना नक्सलियों की इतनी क्या औकात जो हमारे जवान शहीदों का खून बहा दे। और रही बात, मैं जो भी हूँ आप सबको पता है, मेरे पति दलजीत सिंह सिसाई जी जब नेचुरल डेथ मतलब अंतिम सांस तक की सजा काट रहे हैं, जहाँ तारक सिंह 2016 से जेल में बंद हैं, और अब वो पैरोल पे आए थे, कोरोना काल की जो छुट्टी चल रही थी उसमें भी उन्होंने किसानों के साथ अपनी अहम भूमिका निभाई है। हमारी दिल्ली बॉर्डर पे 3 एम्बुलेंस लगातार अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं, और जैसी भी हमारी सामाजिक जनहित कल्याण समिति टीम है उसकी तरफ से हमारे जितने भी वॉलंटियर हैं सब निरंतर किसान आंदोलन में अपना सहयोग कर रहे हैं। तो एक बार ताली बजा दीजिए उन सब भाइयों के लिए। और रही बात मेरी, तो मैं प्रदेश की सबसे पहली महिला हूँ जिसके ऊपर किसान आंदोलन में FIR दर्ज हुई है, और मैं डरने वाली नहीं हूँ। मेरे पति ने एक ही बात सिखाई है कि बुराई का सामना डट के करो, समाज के लिए लड़ो। कोई बुरा काम करके अंदर नहीं गए हैं, सिर्फ हमारे समाज के लिए गए हैं। और एक ही बात बोलते हैं, सच का साथ देना है और बुराई को हमारे समाज से खत्म करना है, हमारे देश से भगाना है। इन कच्चाधारियों की क्या औकात ये हमारे देश को इतनी नीचाइयों पे पहुंचा दे। और रही बात, जिसकी बीबी भाग रही है वो हमारा देश प्रदेश क्या संभालेगा, उसकी तो इतनी भी औकात नहीं है कि वो अपने घर में अच्छी तरह से खाना खा ले और वो संभालने चला है अपना देश। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं है, मेरी मातृशक्ति आप सबसे एक बार फिर से विनती करती हूँ कि अपना हौसला कायम रखे, हमारे किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करे, और इस सरकार से ना डरे ना झुके, क्योंकि अब टाइम आ गया, हमें आर पार की लड़ाई लड़नी है। धन्यवाद, एक बार नारा लगा लीजिए।